वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। देखिए ये कोई आयोजन नहीं है, ये हमारी पीड़ा का प्रदर्शन है। हम लोग जो साधु बैठे हुए हैं, ये धर्म संसद जो हुआ था अभी, उसकी ये संचालन समिति है। हमारे अध्यक्ष जी हैं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी महाराज, और हम सब लोग इनके शिष्य हैं, हम इनकी सेना है। हमारे एक साथी हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उन्हें जेल में डाल दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी गैर संवैधानिक रूप से उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब वो पहले वसीम रिजवी थे, जब तक वसीम रिजवी थे तब तक उन्हें किसी ने छुआ नहीं। अब वो जितेंद्र त्यागी बन गए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, बहुत ही प्रताड़ित और अपमानित कर गया। हम उनके सम्मान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक ना हम अन्न लेंगे, ना कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहीं गंगा के किनारे पर। संतों का किस तरह का गुरुजी समर्थन मिला आपको? संतों का पूरा समर्थन है, देखिए संत हमारे साथ हैं, और आज त्योहार का दिन है, धीरे धीरे सारे संत हमारा समर्थन करेंगे, एक भी संत हमारे विरोध में नहीं जाएगा, सभी संत हमारा समर्थन करेंगे। जी ने कहा जमानत करवानी पड़ेगी उनकी, तो जमानत के लिए? हाँ, जमानत की प्रक्रिया हम पूरी कर रहे हैं, हमने कल भी पूरा प्रयास किया कि उनकी जमानत हो जाए। देखिए जमानत एक कानूनी प्रक्रिया, हम कानून को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे, लेकिन कई बार जो है बाधाएं डाली जाती है जमानत में, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उनकी जमानत में बाधा डाली गई तो हम लोग यहीं पर सारे के सारे लोग, पहले हमारे जाएंगे, फिर अमृतानंद जी के, फिर बाकी साधु, हम एक एक करके सारे अपने प्राण त्याग देंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहां से हिलेंगे नहीं। इस गिरफ्तारी को किस रूप में देखते हैं जी? जो गिरफ्तारी, ये मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और भ्रष्ट और अंधी नौकरशाही, केवल इस रूप में देखते हैं, इसे और कोई रूप नहीं है। कल जितेंद्र नारायण त्यागी जी हरिद्वार आ रहे थे तो बॉर्डर पर उनको अवैध रूप से पकड़ा गया। जब वो हरिद्वार आ रहे थे और पहले भी कोतवाली गए थे तो उनको जमानत क्यों नहीं दी गई? जबकि 153A और 298 में 3 साल तक की सजा है, 3 साल तक की सजा में विधान है कि थाने में ही जमानत होनी चाहिए, उसके बावजूद उनको जेल भेजा गया। तो जेल भेजने के पीछे जो कारण है वो इस्लामी जिहादी लोगों का दबाव या उनसे सेटिंग और गेटिंग, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, क्योंकि अभी कहा ही नहीं सिंगानंद जी ने, जब तक वसीम रिजवी थे तब कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद जो पुस्तक है उन्होंने वसीम रिजवी के नाम से लिखी है, लेकिन जितेंद्र नारायण त्यागी बाद में हुए अर्थात हिंदू हो गए, तो हिंदू हो गए तो उसका काम है सेकुलर के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करो, उसी के तहत जो शासन प्रशासन ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई के हम विरोध में, हमारे दो लोग तो अनशन पर बैठे हुए हैं, कल से इन्होंने खाना पीना सब छोड़ रखा है, और बाकी सब धर्म संसद के लोग उपवास पे हैं, और धर्म संसद ने घोषणा की है आज से ही हम प्रतिकार यज्ञ करने जा रहे हैं, 3 बजे सष्टंडी का यज्ञ होगा शुरू, सप्तशती का, और पूरे देश में हमने आह्वान किया है कि सभी हिंदुओं को प्रतिकार के रूप में अपने घर में यज्ञ करें, ज्ञापन दें, पूरे देश की अलख जगाने की बात है, और सभी लोग उसे अलख जगाने में आगे आ रहे हैं। आपको ध्यान ही है के उत्तराखंड में लोग ना आ जाए, क्योंकि 16 तारीख को हमने प्रतिकार सभा रखी थी, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही सीमाएं सील करनी है, सीमाएं सील केवल हिंदुओं के लिए की है। आप देखिए कितना आश्चर्य है, मकर संक्रांति का उत्सव है, मकर संक्रांति हिंदू ना कर पाए, ये देव भूमि बनाना चाह रहे हैं या फिर इसको नरक भूमि करना चाह रहा है प्रशासन, तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा, ये देव भूमि है और देव भूमि को नरक भूमि बनाने का वो प्रयास ना करे, हो सकता है कल इसके भयंकर परिणाम हो, तो अगर भयंकर परिणाम हुए तो ये सारी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी ही होगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।